तो दोस्तों वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों बात करेंगे एक ऐसे राज्य के बारे में जहां पर एएमएम के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सीना ठोक कर डंके की चोट पर ये ऐलान करा दिया है, ये ऐलान और ये घोषणा कर दिया है, ये अनाउंसमेंट जारी कर दिया है कि भाई यहाँ तो हम चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे 2023 के अंदर, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले, जिसको जो करना है कर ले, जो हमें बी टीम सी टीम ए टीम जो भी बोलना है बोल ले, लेकिन हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे। और बहुत सारे पॉइंट्स इस वीडियो में मैं बातें करने वाला हूं दोस्तों। तो वो कौन सा राज्य है, हम बात कर रहे हैं राजस्थान। जी हां, राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। अभी दो दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी यहां पर जयपुर गए और वहां पर मीडिया वालों से बातें की और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है डिस्क्राइब करने की कोशिश की। लेकिन हम सबसे बातें कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि क्यों राजस्थान के अंदर एमआईएम की पार्टी कामयाबी हासिल कर सकती है, उसके कई सारे रीज़न है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मुसलमानों की आबादी, अगर ओवरऑल राजस्थान की अगर बात की जाए दोस्तों, तो वहां पर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 9% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स है राजस्थान के अंदर। और अभी की अगर बात की जाए तो लगभग 13-14% जो है मुसलमानों के अच्छे खासे वोटर्स है। और इन वोटर्स के अगर दबदबा के बारे में पता की जाए तो लगभग 38 से 40 सीट ऐसे है जहां पर मुस्लिम वोटरों का खासा प्रभाव है और होता आ रहा है। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो नजर है या एमआईएम की पार्टी की जो नजर है इन 40 विधानसभा सीटों पर है, और बहुत गहराई के साथ और काफ़ी सर्वे के बाद जो है इन सीटों पर एमआईएम वर्क भी कर रही है। मैं आपको बता दूं कि इन 40 में से 33 सीट पर फिलहाल जो है वो कांग्रेस का कब्ज़ा है, बाकी जो है वो मैं आपको बता दूं कि भाजपा का कब्ज़ा है। लेकिन कुल मिलाकर कई जगह है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि अलवर है जहाँ पर 16% मुस्लिम मतदाता है, इसी तरीके से जैसलमेर है, नागौर है लगभग 16%, भरतपुर है 16% के आसपास, बाड़मोर है 14% के आसपास, चूरू है। तो इस तरीके से इन सारे जगहों का अगर मिला दिया जाए दोस्तों, तो कुल मिलाकर 40 विधानसभा सीट होते हैं जहां पर एआईएमआईएम का जो है कब्जा हो सकता है। तो कुल दाव सर्वे में भी ये दावा किया है एआईएमआईएम का कहना है, एमआईएम ने ये दावा किया है कि उनकी ओर से पिछले दिनों सर्वे कराए गए हैं जिसमें लोगों ने उनकी पार्टी को समर्थन दिया है। सर्वे में मुस्लिम समुदाय ने ये कहा है कि राजस्थान के अंदर एमआईएम की पार्टी आए और मुस्लिम और दलित की आवाज़ बने, हम सब एमआईएम को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन देने के लिए तैयार है। सर्वे में समय ये भी कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव होता आ रहा है, उनके क्षेत्रों में विकास नहीं हो रहा है, इसीलिए जो है एमआईएम का आना यहाँ पर बहुत बड़ी और बहुत शिद्दत के साथ बहुत ही ज़्यादा नहायती ज़रूरी है। कुल मिलाकर गठबंधन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो दो पार्टी ऐसी है जिनके साथ गठबंधन बनाई जा सकती है, एक बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी, मैं आपको बता दूं इसके अलावा रालोपा, जो इन पार्टियों के अलावा इन पार्टियों के साथ जो है यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, इनके लिए जो है गठबंधन बनाया जा सकती है। और एमआईएम कह भी रहे कि इनके साथ संपर्क में भी जारी है। कुल मिलाकर अगर मैं आपको बात बता दूं कि कांग्रेस ने 16 उम्मीदवारों को, मुस्लिम उम्मीदवारों को जो टिकट दिया था 2018 के अंदर, और उन 16 उम्मीदवारों में से सिर्फ और सिर्फ 9 उम्मीदवार जीत कर पहुँचे थे। इसके अलावा बीजेपी ने मात्र एक सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा था और वो फिलहाल हार गया था। इसके अलावा एएमएम का प्रदर्शन की बात की जाए दोस्तों, तो महाराष्ट्र के अंदर मैं आपको बताऊं 2014 के अंदर 2 सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि 2019 के अंदर जब दोबारा महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन हुआ विधानसभा का, तो वो दोनों सीटें जो पिछली बार जीत कर आ रही थी वो दोनों सीटें हार गई, और उसके बाद 2 नई सीट जो है जीत कर महाराष्ट्र विधानसभा में पहुँचाए। इसके अलावा बिहार की अगर बात की जाए तो 2019 के अंदर एक उपचुनाव सीट में ज़रूर जीत हासिल हुई थी, और 2020 के अंदर जो है 5 सीट पर मुस्लिम इलाकों में ही जीत हासिल हुई, हालांकि उन 5 एमएलए में से मात्र सिर्फ एक ही एमएलए बचा है बिहार के अंदर, बाकी 4 के 4 दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं। निकाय चुनाव में भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। गुजरात के अंदर भी जो है मैं आपको बता दूँ कि 8 नगर पालिका सीटों पर चुनाव लड़ती है एमएम की पार्टी और 7 जीतती है। मोडासा के अंदर 12 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 9 जीतती है। भरूच के अंदर भी 1 सीटों पर जीत हासिल करती है। यही वजह, इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में जो है निकाय चुनाव में बहुत सारी सीटों पर जीत हासिल की और कांग्रेस को हरा कर और बीजेपी को हरा कर जो है एमआईएम अपना कब्जा जमा लेती है। तो कुल मिलाकर एक काफ़ी उम्मीदें हैं एमआईएम की पार्टी से राजस्थान के अंदर, और एएमआईएम का डंके के साथ ये कहना कि हम यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं और काफ़ी हिकमत के साथ, सियासत के साथ, पॉलिटिक्स के साथ, और जैसा भी हो हम यहाँ पर सियासत करने आए हैं, लोगों की आवाज़ बनने आए हैं, बहुत ज़्यादा जुल्म सितम होता आ रहा है राजस्थान के अंदर और उसी की आवाज़ बनने के लिए एमआईएम की पार्टी
पार्टी तैयारी कर रहे हैं। 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव है, मध्य प्रदेश के अंदर भी है, तेलंगाना के अंदर भी है, कर्नाटका के अंदर भी है। तो MIM की पार्टी के नज़रिए से अगर देखा जाए तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर गुजरात के अंदर है, तो कुछ 2023 के अंदर कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर MIM की पार्टी ज़बरदस्त तरीके से परचम लहरा सकती है। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन बताइएगा। शुक्रिया। जय हिंद। लव यू।